नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबर। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन। पुलिस ने किया एक अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। दो नाजायज चाकुओं के साथ पुलिस ने किया संदिग्धों को गिरफ्तार। राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कटोराताल पुलिस चौकी ने दो संदिग्धों के खिलाफ किया आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने किया एक वारंटी को गिरफ्तार। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से महिला कांग्रेस ने भरी हुकार। दरअसल आपको बता दें, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर पूरे देश में होने वाले नारी न्याय सम्मेलन के अंतर्गत आज काशीपुर में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजाया। महिला न्याय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पीसीसी सदस्य एवं उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में नारी शोषण व अत्याचार के केस बढ़े हैं। आज महिलाएं न्याय के लिए तरस रही हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जागने की चेतावनी दी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी, उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रोतेला जी के आह्वान पर आज काशीपुर में हमने नारी न्याय सम्मेलन यहां पर आहूत किया है, जिसके अंतर्गत हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने आकर इसमें भागीदारी की है और हम लोगों का हौसला अफजाई किया है। वास्तव में जो कांग्रेस ने लड़ाई महिलाओं के सम्मान और न्याय की लड़ी है और जिस पे चलकर आगे जो विचारधारा कांग्रेस की है महिला सम्मान की और महिला न्याय की, उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम यहाँ कर रहे हैं और महिलाओं से मिलकर उनके दुख दर्द को जाना है और कांग्रेस की योजनाएं महिलाओं के लिए क्या हैं इस बात को भी बताने का यहाँ प्रयास किया है। साथ ही हमारे कुछ सवाल भी हैं। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से मणिपुर में जिन बहनों को नग्न करके घुमाने की दुर्घटना वहाँ हुई है और पूरे देश को संचार करने वाली घटना हुई है, इसमें जब सवाल पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के कोने कोने में और विदेश की यात्राओं में ही अक्सर व्यस्त रहते हैं, उनसे जब इस बात पे सवाल पूछा जाता है तो इस बात पे वो एक अक्षर तक नहीं बोलते हैं। सारा का सारा उनका समय केवल या तो चुनावी दौरों में रहता है या अपनी सत्ता को संभालने में, और सत्ता के नशे में वो इतने चूर हैं कि सड़कों पर आंदोलन करने वाली, चाहे वो जंतर मंतर की बहनें हो, न्याय की बात करने वाली इस देश की बेटियां हो, सबको अपमानित करने का काम भाजपा की सरकार में किया जा रहा है। लेकिन महिला कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से आज मैदान में है। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जी जान से हमेशा डटे रहेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन की अगर आप एक परिचय दें, सबसे बड़ा परिचय हमारा जो आप बैनर देख रहे होंगे, नारी न्याय यात्रा। ये यात्रा हमने जो एक कांग्रेस महिलाओं ने जो शुरू करी है हमारी माननीय अलका लांबा जी के आह्वान पर, और इसमें हम महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं जो है बहुत बड़ी शक्ति है, है ना। चाहे आप रसोई से अगर देखें तो चाहे हमारा महंगाई जो बढ़ी है तो हमारा कहीं ना कहीं रसोई को आघात हुआ है। जो हमारी बच्चियां आज पढ़ के बड़ी हुई हैं उनके कहीं ना कहीं एजुकेशन को आघात हुआ है। जब पेपर लीक हो जाते हैं, वो गरीब बच्चा जिसके लिए एक फॉर्म खरीदना इतना मुश्किल है और लीक होने के बाद जो उनका विश्वास टूटता है, जो उनका साल बर्बाद हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को लेकर हम एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। हम खुद एक स्त्रियाँ हैं तो हमसे बेहतर स्त्रियों का दर्द कोई नहीं जानता। तो अब ज़रूरत है जागरूकता की, जागने की, और सबको एक साथ लेकर इस यात्रा में चलने की। और सबसे यही मैं गुजारिश करूंगी कि आप सब हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, क्योंकि नारी कभी कमज़ोर नहीं होती, वो हमेशा मजबूत होती है। अब ज़रूरत है अपने परिचय अब समाज को देने की। वेल, मैं तो समझती हूँ कि महिलाओं को इतना महत्व दिया जा रहा है वो अपने में एक अलग ही बात है, और कांग्रेस ने तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखा है। और मैं उम्मीद लगाती हूँ कि आगामी चुनाव में जो है महिलाओं को, जैसे 33% का हमारा है कोटा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी, हमको टिकट मिलेंगे। और उम्मीद है कि हमारी महिलाएं जो हैं एक नारी शक्ति है और मातृशक्ति है, और कहना चाहिए एक परिवार की रीढ़ की हड्डी है, समाज की रीढ़ की हड्डी है।
तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग किसी तरह से कमजोर नहीं है और हमें हमेशा आगे बढ़कर हर चीज में हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। और जैसे ये न्याय यात्रा हम लोगों ने नारी न्याय यात्रा निकाली है राहुल जी ने, अलका लांबा जी ने, उसके उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को जोर शोर से हिस्सा लेना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में हमारी भागीदारी मजबूती से सामने आए और हम हक से और अधिकार से अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला या जो भी करा है अब तक उसका कोई फैसला ही नहीं लिया गया है कि जो कि एक नारी शक्ति के लिए एक अन्यायपूर्ण स्टेप है। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जो भी दोषी हैं इस केस में उनको दंड दिया जाए, दंडित किया जाए ताकि आगे ऐसे केसेस ना दोबारा हो सके। वैसे होने को तो देखिए वह मणिपुर में हुआ है और ये रिपीट ना हो दोबारा, क्योंकि एक घृणित कार्य है, एक नारी को कमज़ोर बनाने वाला कार्य है। और मैं चाहूँगी नारी, हम कहते हैं नारी शक्ति कहाँ रह गई जब उसकी शक्ति को ही कुचल दिया हमने। तो हमें अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, उसको न्याय मिलना चाहिए। अंकिता जैसी बहुत महिलाएं हैं जिनको न्याय की जरूरत है और मिलना चाहिए हम लोगों को। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिकोण जनपद में अवैध कच्ची शराब और शस्त्रों की रोकथाम व बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आईटीआई थाना पुलिस द्वारा लोहिया पुल पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त जसवंत सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी मुकुंदपुर उम्र 50 वर्ष को 60 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इंद्रावती तिवारी महाविद्यालय काशीपुर के बीएड विभाग में 28 फरवरी 2024 को बीएड विभाग की तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं व अध्यापिकाओं ने विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में छात्राओं और अध्यापिकाओं ने विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित चार्ट्स एवं मॉडल का प्रदर्शन किया एवं विभिन्न प्रकार के वर्किंग मॉडल की क्रियाविधि को भी समझाया। प्रदर्शनी का आयोजन बीएड विभाग की अध्यापिका शालिनी सिंह के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर बीएड विभाग अध्यक्ष डॉ. नवनीत कुमार सिंह, डॉ. अविनाश मिश्रा, चंचल कुमार, मनोज कुमार, शिप्रा छाबड़ा, डॉ. महेश कुमार उपस्थित रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु अभियान के अंतर्गत कुंडेश्वरी पुलिस टीम द्वारा IIM व स्कॉट फार्म में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान उसके पास से 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए गए। काशीपुर के राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा विगत कई दिनों से विज्ञान पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, तत्कालिक प्रतियोगिता, श्रुति प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, ऑनलाइन स्टडी इन फिजिक्स और भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय शोध का स्तर आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आज महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान मस्क उत्तीर्ण छात्र आदित्य शर्मा को कुमाऊं विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर, 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर शॉल प्रमाण पत्र, उपहार गीता और 3100 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। वहीं महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान की HD की छात्रा दिया गोल को भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा नेट को जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ उत्तीर्ण करने पर शॉल प्रमाण पत्र, उपहार गीता और 3100 रुपये की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन पर भूगोल विभाग की अध्यक्ष डॉ. सविता पांडे, वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष आदित्य कुमार मौर्य, डॉ. अर्चना भट्ट, आकांक्षा चौहान, प्रवीण प्रताप सिंह, डॉ. रमेश कश्यप, प्रोफेसर मीना शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वह कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष डॉ. महिपाल सिंह द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महत्वता पर लोकप्रिय व्याख्यान दिया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस।
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कटोराताल चौकी क्षेत्र से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान उनके पास से दो नाजायज चाकू बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी 2024 को काशीपुर पुलिस द्वारा एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।